हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, सीटेट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया है, तो आप लोगों को पता है बता दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और 2024 का जनवरी का बेस होने वाला है। तो गाइस, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुका है। तो गाइस, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना गाइस। ये वीडियो आप देखने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आपका मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल फोन से, और दूसरा सर्वर जाने के भी कोई जरूरत भी नहीं लगेगा। ये वीडियो देने के बाद आप खुद ही एंड्रॉइड आपका मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो बने रहना गाइस, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोगों को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा गाइस। और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है गाइस, वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, जरूर वीडियो देख लेना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन इस चैनल में आप लोग को भी हेल्पफुल वीडियो देखने को भी मिलता रहेगा, पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलो गाइस, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आप लोग को अप्लाई करने से पहले आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना, अकाउंट क्रिएट करना होगा, सिंपली से न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो आपको पहले आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइस। वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को अंत तक देखते रहना गाइस, अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कैसे फिलअप करना है प्रोसेस, आप लोग को एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाले गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो बने रहना गाइस। इसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी मतलब आप लोग को कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस देने को मिलेगा, तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो गाइस यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। अगर इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो गाइस, अदरवाइज आप लोग को सिंपली से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर देख सकते हो गाइस चेकबॉक्स आए देख सकते हो, इस चेकबॉक्स बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को देख सकते हो क्लिक हेयर टू प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसेस बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइस, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हो, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहले आप लोग को नंबर वन में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, उसके बाद पेमेंट, आप लोग को पेमेंट करना होगा गाइस। यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो गाइस, कैसे रजिस्ट्रेशन करते और देखते हैं, तो वीडियो बने रहना गाइस। और गाइस पास यहाँ पर देख सकते हो, पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपका कैंडिडेट का फुल नेम डाल देना, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम डाल देना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, डेट मान ईयर इस पर डाल देना, आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, जो भी आपका जेंडर है आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप मतलब जो भी आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हो वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, एनी अदर ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को देने को मिलेगा, जो भी इसमें आईडी प्रूफ देना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आप लोग को दे सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर दे सकते हो, एनी अदर वैलिड गॉफ आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ मतलब जो भी आइडेंटिटी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा, अगर मैं आधार कार्ड मैं सिलेक्ट कर दूंगा गाइस, इसमें जो भी अगर देना चाहते सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जो भी आईडी का नाम, जो भी आईडी सिलेक्ट करोगे तो गाइस आईडी प्रूफ का नंबर आप लोग को यहाँ पर आपको डालना होगा गाइस। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरना होगा, यहाँ पर देख सकते हो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल का आपको भरने के लिए यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो, पहले यहाँ पर प्रीमाइस नेम मतलब आपका विलेज का नेम, हाउस नंबर आप देख सकते हो, आपका विलेज का नेम देने से भी आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाउस नंबर और विलेज नंबर देना, अगर आपके पास हाउस नंबर है तो हाउस नंबर ये मैंडेटरी है, अगर आपके घर में हाउस नंबर है तो आपको दे सकते हो। इसमें आप लोग को लोकेलिटी डाल देना, उसके बाद यहाँ पर आपका लोकेलिटी क्या है, पोस्ट ऑफिस डाल सकते हो, पुलिस स्टेशन डाल सकते हो, इसमें उसके बाद कंट्री आप लोग को पटा गए, सब कंट्री आप लोग को इंडियन सेलेक्ट करना होगा, इंडियन ही आएगा तो आप लोग को इंडियन सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करते गए इस तरफ से आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर आप लोग को सारे आप लोग को देने को मिलेगा। तो गैस जैसे सेलेक्ट करते गए इस तरफ से आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा, आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना, इंडिया में जितना स्टेट है सारी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी का आप लोग को देने को मिलेगा, जो भी जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हो तो गैस यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गैस मैं असम में बिलोंग करता हूँ गैस, असम में सेलेक्ट कर लेता हूँ गैस। तो गाइस देख सकते हो असम आपका स्टेट सेलेक्ट करते गाइस स्टेट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड नंबर 6 डिजिट का नंबर डाल देना, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना, दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना गाइस, उसके बाद मोबाइल नंबर भी डालना होगा, दोबारा से मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना होगा। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी एक्टिव ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर डालना जरूरी, क्योंकि पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी सारे आप लोग को जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा आप लोग को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उन लोग
इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव मोबाइल नंबर डालना जरूर है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली से इस बार चेकबॉक कर लेना, ऑटोमेटिकली नीचे सारे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा, दोबारा से पासवर्ड कंफर्म कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका पासवर्ड सपोज आपको हार गए जो भी, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो गाइस व्हाट इज योर फेवरेट बुक, में मेरा फेवरेट बुक जो भी आपको क्वेश्चन टाइप करोगे यहाँ पर आपको लिख लेना गाइस। उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हो गाइस, सिंपली से इस पर डाल देना, सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस आपको भी आपको इस सबसे डाल देना। तो चलो गाइस मैं फटाक से डाल लेता हूँ और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी मैंने भर दिया। उसके बाद सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आप लोग को थोड़ा वेट कर लेना गाइस। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खोल के आ जाएगा। सो गाइस उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर एडिट ऑप्शन देने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने क्रॉस बटन पर सिंपली से क्लिक करना गाइस। यहाँ पर आप लोग को फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना। तो चलो गाइस मैं अच्छा से फटाक से देख लेता हूँ। सो गाइस मैंने अच्छा से देख लिया, पूरा सही है गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जितना यहाँ पर चेकबॉक देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को इस तरफ से आप लोग को सारी आप लोग को चेकबॉक कर लेना गाइस। सारी चेकबॉक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना गाइस। अगर एडिट करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आई एग्री बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर सिंपली से क्लिक करते ही उसके बाद यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते ही गाइस एक ओटीपी आप लोग को सेंड किया जाएगा। यहाँ पर इस तरफ से आप लोग को देख सकते हो मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना गाइस। उसके बाद देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मेरा ओटीपी मैं फटक से डाल लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने ओटीपी भर दिया। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो इस तरफ से आप लोग को लोडिंग ले गाइस। देख सकते हो एसएमएस भी ऊपर आ चुका है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है और एप्लीकेशन फी बाकी है, यहाँ पर ऑप्शन देने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना गाइस, यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी बटन पर सिंपली से आप लोग को बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज अभी भी बाद में भी फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को वेरीफाई कंप्लीट करना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग को बाद में भी चलो वेरीफाई कर लेते, तो पहले आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेते गाइस। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका डाउट 100% क्लियर होने वाला गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे पर्सनल डिटेल बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आपको पर्सनल डिटेल पहले आप लोग को सारे आप लोग को फिलअप करना होगा गाइस। तो चलो थोड़ा वेट कर लेते गाइस, लोडिंग ले रहा है गाइस। सो गाइस उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन टाइम सारी आपने किया है तो आप लोग को सारी आ जाएगा गाइस। पहले आप लोग को यहाँ पर नेशनलिटी आप लोग को सिलेक्ट करना होगा गाइस। नेशनलिटी आप लोग को पता है दोस्तों, इंडियन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना गाइस। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी क्या है, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो चलो आप मेरा कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डिसेबिलिटी है तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो मैंने नो कर दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू, अगर है तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब जब आपने ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है यहाँ पर आप लोग को क्या करते हैं इसमें बताया गया है। नॉट एम्प्लॉयड देने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉय अदर देन टीचर देने को मिलेगा। तो चलो गाइस नॉट एम्प्लॉयड बटन पर मैं बेकार आदमी हूँ इसमें बताया गया है। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिर से इस पर डाल देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मैं कैप्चा डाल लेता हूँ फटाक से गाइस। सो गाइस मैंने कैप्चा भर दिया गाइस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर करते ही गाइस इस तरफ से पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। सो गाइस देख सकते हो उसका बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आप लोग अभी क्या बाय के पोस्ट अप्लाई, यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को अप्लाइंग फॉर मतलब कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, तो चलो थोड़ा मैं आप लोग को जूम करके थोड़ा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पेपर वन क्लास वन से लेकर 5 तक देने को मिलेगा, पेपर टू में क्लास 6 से लेकर 8 तक देने को मिलेगा, और यहाँ पर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू देने को मिलेगा। तो जहाँ पे आप लेना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं पेपर वन एंड पेपर टू में अप्लाई करना चाहता हूँ गाइस, इसलिए मैंने दोनों बोर्ड सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू आप लोग को देने को मिलेगा, लैंग्वेज में आप लोग को जितना भाषा है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद लैंग्वेज टू में ये बंगाली मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर
सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू, मतलब इसमें बताया गया है पेपर आपको किस पेपर से आप देना चाहते हो गाइस, इसमें बताया गया है। तो चलो गाइस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना गाइस। तो चलो गाइस मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को पहले आप लोग को एग्जाम सिटी, आप लोग को एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना होगा। प्रीफरेंस वन, प्रीफरेंस टू, थ्री, फोर आप लोग को देने को मिलेगा। तो पहले आप लोग को स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर पहले स्टेट में सेलेक्ट करा था असम में, इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर देने को मिलेगा। तो चलो गाइस मैंने असम सेलेक्ट कर देगा। असम में कौन कौन जगह एग्जाम सेंटर है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो जिस सेंटर में आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते तो गाइस यहाँ पर आप लोग को एग्जाम पहले आप लोग को स्टेट सेलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद आप लोग को फिर से आप लोग को सिटी सेलेक्ट करना होगा। तो जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो तो गाइस आपको भी आपको हिसाब से इस तरफ से आप लोग को सारी प्रीफरेंस वन, प्रीफरेंस टू करके आप लोग को सारी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं सारी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को प्रीफरेंस वन, प्रीफरेंस टू करके आप लोग को एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना गाइस। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी मैंने फिलअप कर दिया गाइस। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पहले आप लोग को कैसे फिलअप करना बैठा, यहाँ पर अप्लाइंग फॉर पेपर वन पेपर टू सेलेक्ट कर देना। उसके बाद लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट करना होगा गाइस। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप लोग को जो भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एग्जाम सेंटर सारी फिलअप करने बैठ, कैप्चा भी मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद इस तरफ से ओके आएगा, यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा गाइस। सो गाइस उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गाइस अभी क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना होगा। यहाँ पर आप लोग को पहले आप लोग को पास स्टेटस, आपका पास स्टेटस क्या है तो आप पास और एपीआर है आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर में हमने पास किया है यहाँ पर आपको भरना होगा। तो चलो गाइस मैंने भर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कोर्स स्ट्रीम ने, मतलब कौन सा स्ट्रीम ने आपने किया है आपको देने को मिलेगा। एजुकेशन एलिमेंटरी आप लोग को बीएड आप लोग को पता है दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड यूनिवर्सिटी ने, मतलब जिस बोर्ड के लिए आपने किया है यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी है आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा जिस बोर्ड से आपने किया है यहाँ पर आप लोग को सारी बोर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको भी आपको हिसाब से आपका बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना गाइस। गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। सीजीपीए है, परसेंटेज है, जो भी है डालते ना। तो चलो गाइस मेरा परसेंटेज है मैंने डाल दिया गाइस। उसके बाद आपका जहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट आपने किया है, डिप्लोमा किया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का आपका पिन कोड नंबर डाल देना। उसके बाद ये कैप्चा डाल के इस पर सिंपली से डाल देना, सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटक से सारी डाल लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी मैंने फिलअप कर दिया। सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते इस तरफ से आएगा और यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो अभी क्या बाकी, अभी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो चलो थोड़ा वेट कर लेते गाइस। सो गाइस जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा गाइस। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर साइज की बात करें तो गाइस यहाँ पर फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर, फोटो का साइज देख सकते हो 10 to 200 KB के बीच में अपलोड करना होगा गाइस। और सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में अपलोड करना होगा गाइस। तो फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली से चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करके गाइस जहाँ पे आपका फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से गैलरी से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटक से सारे मेरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो आ चुका है। तो चलो गाइस मेरा फोटो मैं फटक से सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर मेरा फोटो आ चुका है गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल अपलोड और डन बटन पर सिंपली से देखने को मिलेगा। तो डन बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। अगर यहाँ पर क्रॉप करना चाहते तो गाइस यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, अपलोडेड नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सिर्फ आप लोग को इमेज ही आया, अपलोड फाइनल अपलोड नहीं हुआ है। इस तरफ से आने के बाद इमेज यहाँ पर देख सकते हो अपलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। अगर व्यू करना चाहते तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करके फिर से व्यू कर सकते हो। सेम इसी तरफ सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए गाइस चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। और जहाँ पे आपका सिग्नेचर साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरा सिग्नेचर मैं फटक से सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को ओरिजिनल अपलोड बटन पर सिंपली से क्लिक करके उसके बाद अपलोड बटन पर फिर से क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर दोनों व्यू करना चाहते हो तो फिर से आप लोग को व्यू कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरा ऑलरेडी डन है। तो चलो गाइस ये कैप्चा इस पर सिंपली से इस पर डाल देना, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटाक से कैप्चा भर लेता हूँ।
सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने कैप्चा भी मेल भर दिया। उसके बाद आप लोग को सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। उसके बाद इस तरफ से आएगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो आप लोग को यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो इसमें फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन देने को मिलेगा। यहाँ पर कॉस्ट नो बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। उसका मतलब ये फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना। अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला गाइस। तो चलो आपको भी आपको अच्छा से देख लेना। तो चलो गाइस मैं फटाक से अच्छा से देख लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सही है गाइस। अगर एडिट करना चाहते तो गाइस यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हो गाइस। अदरवाइज सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर चेकबॉक देख सकते हो गाइस। जितना यहाँ पर चेकबॉक लेने को मिलेगा ये सब आप लोग को इस तरफ से आप लोग को चेकबॉक करना होगा, चेकबॉक करना होगा। उसका मतलब आपने जो भी फॉर्म बारह फिलअप किया है तो आपको उसका मतलब है पूरा सही है। तो चलो गाइस फाइनली अपलोड का फाइनल सबमिशन करने से पहले आई एग्री बटन पर चेकबॉक कर लेना गाइस। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक करते गाइस इस तरफ से पूछा जाएगा, यस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है। तो गाइस फाइनली सबमिटेड हो चुका है, अभी क्या बाकी है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर। तो गाइस उसके बाद अभी क्या बाकी है गाइस, पे एग्जामिनेशन फी। मेरा एलिजिबल है एग्जामिनेशन फीस 600 रुपीज, मुझे एप्लीकेशन फीस देना जरूरी है। तो सिर्फ अभी क्या बाकी है गाइस, सारी आप लोगों को कंप्लीटेड हो चुका है, अभी सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन फीस बाकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया गाइस। आपको भी आपको ऐसे एप्लीकेशन फीस तो आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरा हिसाब से मैं पेमेंट कर दूंगा, अगर इंस्टेंटली अगर पेमेंट करना चाहते तो गाइस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग को 2-3 दिन के बाद भी आप लोग को पेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है इंस्टेंटली अगर पेमेंट करने के लिए। आपका प्रोफाइल फिर से लॉगिन कर लेना गाइस, आपका एप्लीकेशन आईडी आपका पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सिंपली से स्टेप्स आएगा और यहाँ पर फी पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं गाइस, स्टेप्स इंटरफेस देने को मिलेगा। सिंपली से पे एग्जामिनेशन फी बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन इसी तरह हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में देखने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले और लाइक करना ना बोले। जब एडमिट कार्ड भी नहीं करेगा इस चैनल में मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर देना दोस्तों को साथ। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।